नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। भागलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा सांसद करवाते हैं ट्रकों से अवैध वसूली। सुल्तानगंज में आपसी विवाद को लेकर महिला की हुई मौत, जांच में जुटे पुलिस। जिले भर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को कुचला। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए भागलपुर के सत्यम मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर भागलपुर अंबेडकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत कई पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वहां मौजूद पदाधिकारियों और अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनने की बात कही। साथ ही देश के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया गया। मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ अंबेडकर विभाग से जुड़े पदाधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। अंबेडकर की भूमिका जो रही है संविधान निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इन तिथियों में हम लोग जो है उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज जो भारत में इतना लोकतंत्र जीवंत है और जो संविधान हम लोगों को हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, तो उसका सारा श्रेय जो है वो, या सबसे ज़्यादा श्रेय आप कह लीजिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। तो आज की तिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ और यही हम लोगों की उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और सब लोग जो है अच्छे से इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका अदा कर सके। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर की ओर से सामाजिक समता दिवस के अवसर पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली। इसको लेकर मारवाड़ी कॉलेज से स्टेशन स्थित अंबेडकर चौक तक छात्रों ने जागरूकता रैली निकालकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समर्थन में नारा लगाया और उनके द्वारा किए कार्यों की चर्चा की। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके कथनों एवं आदर्श पर चलने की शपथ ली। मौके पर एबीपी भागलपुर नगर इकाई के दर्जनों कार्यकर्ता और मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्रा मौजूद रहे। देश के महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि, जिसे हम लोग सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं, मारवाड़ी कॉलेज से सामाजिक समरसता दौड़ का आयोजन किया गया और वहाँ से चल करके हम लोग यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है यहाँ पर स्टेशन चौक पर यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक महान शिक्षाविद, महान लेखक, महान समाज सुधारक, महान अर्थशास्त्री, महान कानूनविद और देश के प्रथम कानून मंत्री थे। उनके द्वारा कही गई बातें आज भी प्रासंगिक है और देश में छुआछूत के खिलाफ हो, कुरीतियों के खिलाफ हो, महिला अधिकार की बात हो, श्रमिक अधिकार की बात हो, शोषितों पीड़ितों वंचितों की बात हो, हर लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव ने संघर्ष किया। उनका जीवन ही संघर्ष भरा रहा। की परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब स्थापना हुआ तब से जो छुआछूत का माहौल बना हुआ था, तब से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से ही अपने संविधान में शामिल किया कि छुआछूत का कहां सवाल, हम सब भारत माँ के लाल, इसीलिए हम सब इस कुरीतियों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। जिस तरह से देश का माहौल बनाया जाता है, बाबा साहिब को तरह तरह से पेश किया जाता है, जो कि बाबा साहिब का सच्चाई एक अलग है, उनका एक अलग, वो चाहते थे एक देश का निर्माण हो, एक राष्ट्र बने और राष्ट्र और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ओर ये राष्ट्र बढ़े, ताकि ये समाज जो है एक हो सके, भेदभाव का मिटा सके और हम सब मिलकर एक पत्तल में आज खा रहे हैं, तो बाबा साहिब का कहीं ना कहीं संघर्ष का योगदान है। बिहार विधानसभा
सभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के भागलपुर दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने अतिथि कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीपैती में नीलम देवी की नृशंस हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि हत्यारे शकील मियां ने पैसे के लेन देन में इतनी बुरी तरीके से महिला की हत्या काट कर करते जिससे किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच विशेष टीम गठित कर कराने और हत्या के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग बिहार सरकार से की। वहीं भागलपुर के कई मुख्य सड़क मार्गों पर ट्रकों से वसूली का मामला तो अक्सर चर्चा में आता रहता है, लेकिन इस बार यह मामला और चर्चित तब हो गया जब भागलपुर पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका सीधा ठिकरा भागलपुर सांसद पर फोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें पता चला है कि भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय मंडल द्वारा घोघा में ट्रकों से वसूली करवाया जाता है, जो काफी गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली के धंधे में सांसद की भूमिका की बात आम लोगों के द्वारा कही जा रही है और वो बिहार सरकार से इस मामले के निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। साथ ही कहा कि इस तरह के मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि मैं जब सत्ता में था तब भी प्रशासनिक अराजकता के विरोध में आसन से हमने आगाह किया था कि भ्रष्ट लोगों को फील्ड से हटाइए, निर्दोष लोगों को जेल भेजता है और दोषी को बचाता है। ये सत्ता में रहते हुए पूरा बिहार ही नहीं देश देखा, और जो भी, इसीलिए मैं नाम आपको नहीं बता रहा था कि जो भी किसी भी पक्ष के लोग हों, माननीय हो सत्ता का ज़्यादा, वो भय दिखाकर अगर जो इस तरह की खेल खेलते हैं तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। कल मैं भी सरकार में रहूंगा और हमारे लोग करेंगे, ऐसे लोगों को हम एक मिनट स्वीकार नहीं करेंगे। सत्ता में बैठने वाले लोगों को दलाली करने का, दोहन शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, लाइसेंस नहीं मिलता है। वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है, सत्य है या गलत है, सरकार इसकी जांच कराए। क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर जो ईमानदार होता है तो ये आवाज़ उठाती है जनता की समस्याओं का, क्षेत्र में हो रहे अपराध का, भ्रष्टाचार का विरुद्ध जन खुल करके वो बोलता है, और अगर जो मौन है तो जनता तो बोलती है, जनता की आवाज़ निकलती है। और सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों की भूमिका की जांच करानी चाहिए। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत दीनदयालपुर गांव में आपसी विवाद के दौरान मुकेश यादव की पत्नी महिला रिमझिम कुमारी की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि देर रात तक घर में आपसी विवाद चलता रहा, जिसके बाद अचानक महिला की मौत हो गई। वहीं इसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बाद थाना को दी, जिसके बाद मौके पर दलबल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने घटना की जाँच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा और उसके आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मृतक महिला मुंगेर जिले की रहने वाली बताई जा रही है, जिसके 2 महीने की गर्भवती होने की भी बात कही जा रही है। हम गए उसका बुआ को उठा के सोला दिए, उसके बाद दीदी से पूछे क्या हुआ, तो बोला कि मेरे को पंखा चला दो, गर्म लग गई, तो पंखा चला दिया। उसके बाद पूछे क्या हुआ, तो बोला कि कुछ नहीं, कुछ हो क्या तो तुमको नहीं बताएंगे, मेरे बुआ को तुम संभालना। अच्छा, उसके बाद दीदी से कुछ नहीं बोला, इशारा से बात किया और मुंह से नहीं कुछ बोल सकता। तो अभी बताए पहले बुला के कैसे देखे इसको, एकदम आंख मुंह तल माते हुए। अच्छा, आंख ऊपर हो रहा था। हाँ, तो पूछे हम क्या हुआ दीदी, कैसे चक्कर लग रहा है, तो पंखा चलाने के लिए बोला था, हम पंखा चला दिए। पंखा चला कर हम फिर से पूछे क्या हुआ दीदी, कहते कुछ भी हुआ तो मेरा बवा को तुम संभालना। सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग के मस्ती गांव के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने एक 22 वर्षीय युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मस्ती नफतोलिया गांव निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव के पुत्र मयंक उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर सुल्तानगंज
वीडियो और सीओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन करते हुए लोगों को समझाने के प्रयास में जुट गए। रोड क्रॉस करने में जो है ना हवा से चपा गया है। किस जगह पे? यही जगह पर। कौन सा जगह है? मस्जिद। कौन लगता है? कौन लगता है? भाई है छोटा। क्या नाम है इसका? मंकर कुमार उर्फ पप्पू यादव। इसका घर कहाँ पे? मंडल अपलिया मस्जिद अपलिया। तो क्या सड़क जाम किए हैं? रोड जाम किए हुए हैं। क्या मांग रहे हैं? ये मांग है कि वरीय पदाधिकारी आएंगे, जो मुआवजा होता है नगद में देंगे, तब रोड जाम तोड़ेंगे। भागलपुर के भिकरपुर निवासी डॉक्टर रविकांत मिश्रा के पुत्र सत्यम मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2022 से नवाजा गया है। बता दें कि पिछले वर्ष सत्यम मिश्रा को ग्लोबल टीचर्स 22 से नवाजा गया था। एक साल में दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल कर पाना भागलपुर के लिए गर्व की बात है। बताया जाता है कि अमेरिका द्वारा यह स्कॉलरशिप विश्व भर में 40 लोगों को दिया जाता है, जिसमें से 4 स्कॉलरशिप भारत को मिलता है और इस वर्ष 4 में से एक बिहार के सत्यम मिश्रा को भी मिला है। सत्यम अब तक भारत, अलास्का, यूक्रेन समेत 14 देशों के बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जबकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन से उड़ीसा पहुंचे 100 से अधिक छात्रों को भी उन्होंने शिक्षा दी थी। इसके बाद कई छात्रों ने विदेशों में भी सफलता पाई है। इसी को लेकर इस वर्ष फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए सत्यम का चयन किया गया है। इस अवार्ड के तहत उन्हें 4 महीने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। वहीं इसको लेकर सत्यम मिश्रा ने बताया कि इस उपलब्धि की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि US स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से हर वर्ष भारत में सिर्फ 4 लोगों को ही मिल पाता है, जिसकी जानकारी उन्हें वर्ष 2019 में मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको अमेरिकन एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से भी सहयोग दिया गया, जिससे वे काफी खुश हैं। वहीं सत्यम के पिता डॉक्टर रविकांत मिश्रा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे को साल भर के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिल पाना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। जी देखिए, इतना बड़ा उपलब्धि है कि आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि हमको ये मिलेगा। तो इसीलिए, क्योंकि सिर्फ 4 इंडियंस को मिलता है ये हर साल और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 40 लोगों को, ये US स्टेट डिपार्टमेंट देता है। तो हम बिल्कुल, मतलब मेहनत हम अपने तरफ से पूरा किए थे, बट आई कुड नॉट एक्सपेक्ट कि हमको ये मिलेगा जस्ट बिकॉज इट्स सो कॉम्पिटिटिव। और फुलब्राइट बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, और हमको ये तरीके से पता चला इसके बारे में जब हम अपने स्टूडेंट्स को दुनिया के सबसे टफ हाई स्कूल एग्जाम के लिए तैयार करा रहे थे, जिसका नाम है एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस एग्जाम। ये अमेरिका कंडक्ट कराता है और काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो उसके लिए हम तैयार करा रहे थे, तो हमको पता चला कि एक फुलब्राइट स्कॉलरशिप होता है। ये हमको 2019 के आसपास पता चला था। सो आई हैड नो प्लान्स ऑफ अप्लाइंग देन, लेकिन व्हेन आई लुक्ड एट द प्रोफाइल्स ऑफ अदर टीचर्स, हमको लगा कि नहीं, आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस। और बहुत सपोर्ट किया USIEF ने भी, जो अमेरिकन एजुकेशन फाउंडेशन है इंडिया में, और आई कुड मस्टर अप द करेज टू अप्लाई। एंड बहुत ही स्वाभाविक बात है कि जब आप किसी का भी बेटा अपने क्षेत्र में अच्छा करता है तो उसके पिता को तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ऐसा कहा भी जाता है कि किसी भी पिता को सबसे ज़्यादा खुशी उस समय मिलती है जब उसका बेटा उससे आगे निकल जाए। तो अभी तो एक साल के अंदर इसको 2 अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि इसकी हासिल हुई है, तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और इसका सारा श्रेय उसे खुद का मेहनत को जाता है। उसने जो मेहनत की थी के गोल्डन टीचर अवार्ड में, उससे कम इसमें नहीं किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में हर वर्ष 400 को दिया जाता है और 40 को दिया जाता है और हिंदुस्तान से केवल 4 को। और ये उपलब्धि इसलिए कि हमने इसको देखा है कि इसका जो एक, आपके साथ ये भी इसके बारे में जानकारी कर दें कि ऐसा ये इंटरव्यू है या ऐसा स्कॉलरशिप है, इसके लिए बच्चों को एक अमेरिका में जाने के लिए टेस्ट होता है, इसको हम लोग टॉफिल कहते हैं। टॉफिल में जो खर्च होता है परीक्षा देने का, वो ये आपका फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जिनको मिलने की उम्मीद होती है, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन खुद फीस देता है कि आप उसको परीक्षा खुद जाके दीजिए। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
साथ है बढ़ते अगली खबर की ओर। पिछले 7 माह के बकाये मानदेय भुगतान को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद आजाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेज के अतिथि शिक्षक ने शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की। वह इसको लेकर डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक का मानदेय पिछले 7 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। इसकी जानकारी उन लोगों ने विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष भी रखी थी, लेकिन कुलपति के आश्वासन के बावजूद अतिथि शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कुलपति का आश्वासन भी अब तक झूठा ही साबित हुआ है और जल्द ही अगर बकाया मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो अतिथि शिक्षक संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर काफी संख्या में पुरुष और महिला अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य है अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की मांग। मई 2022 से नवंबर बीत चुका है, हम लोगों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में और जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, सबों को नियमित भुगतान किया जा रहा है। सिर्फ अतिथि शिक्षक एक ऐसे हैं जिनको कि मई से आज तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। दुर्गा पूजा बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, अब नया साल आने को है। सभी के घर में तरह तरह की परेशानी है, सारे साथी घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इसके मांग को लेकर के हम लोग दुर्गा पूजा के समय में कुलपति से मिलने गए थे। कुलपति ने ठोस आश्वासन दिया था हम लोगों को कि पूजा से पहले आप लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, लेकिन उनका बात जो है कोरा आश्वासन साबित हुआ। उन्होंने सिर्फ हम लोगों को ठगने एवं छलने का काम किया है। तो हम लोग अपने मानदेय भुगतान की मांग को लेकर के आज यहां पर धरना पर बैठे हुए हैं। भागलपुर एसएम कॉलेज मैदान में मंगलवार को अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 महाविद्यालयों के छात्राओं के बीच खो खो के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएम कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, एमएएम कॉलेज नवगछिया और एसएसबी कॉलेज कहलगांव के सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। वहीं इसको लेकर एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने बताया कि यह बेहद खुशी की बात है, लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और इस तरह की प्रतियोगिता से खिलाड़ियों के खेल में निखार आने के साथ प्रदर्शन भी अधिक बेहतर हो सकेगा। साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी कॉलेज के छात्राओं को प्राचार्य और अतिथियों ने शुभकामनाएं भी दी। सौंपे गए खेल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन आज सुंदरवती महाविद्यालय में हो रहा है। आज का खेल खो खो प्रतिस्पर्धा है, जिसमें 4 छात्राओं की टीम ने भाग लिया है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर चूंकि होस्ट है, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, एसएसबी कॉलेज कहलगांव और मदन अहिल्या महिला कॉलेज नवगछिया की 4 टीमें छात्राएं, विशेषकर यह छात्राओं का ही खेल है, यहाँ दिया गया है, छात्राएं भाग ले रही हैं। सब बच्चों को शुभकामनाओं के साथ, बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। सोनपुर डिवीजन के प्रमुख स्टेशनों में से एक कटेरिया रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल निर्माण को लेकर रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि कटिहार बरौनी रेलखंड के कटेरिया स्टेशन पर पैदल पुल निर्माण को लेकर वहां की जनता वर्षों से मांग कर रही है, लेकिन रेलवे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा हर बार इस मुद्दे को दबा दिया जाता है, जिसके कारण लोगों को रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि रेलवे के वरीय अधिकारी और DRM को भी इस समस्या की जानकारी आवेदन के माध्यम से दी गई, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही लोगों ने कहा कि रंगरा प्रखंड के सभी गांवों की 1.5 लाख से अधिक की आबादी इस एकमात्र रेलवे स्टेशन पर ही निर्भर है और रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में स्थित टेम्पो स्टैंड और गांव जाने के लिए सभी नागरिकों को रेल पटरी पार करना मजबूरी है। इसके अलावा बाजार, स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान जाने में भी छोटे छोटे बच्चों के लिए हमेशा किसी अनहोनी का डर बना रहता है। जबकि कुछ माह पूर्व यहां क्रॉसिंग के दौरान एक महिला की मौत पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। अभी हम लोग कटरिया रेलवे स्टेशन पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन कटिहार बरौनी रेलखंड का सबसे मुख्य स्टेशन है। इस स्टेशन के आसपास 15 गाँव का लगभग 1,25,000 से भी आबादी जो है इस एकमात्र स्टेशन पर रेल यात्रा के लिए निर्भर है, परंतु कटरिया रेलवे स्टेशन पर आज वर्षों से पैदल पुल का निर्माण नहीं हुआ। पैदल पुल के निर्माण को लेकर यहाँ की जनता पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। कई बार उच्च अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया गया, उनसे बातें की गई, ट्वीट किया गया,
मीडिया से भी बात उठाएगा, साथ ही अन्य माध्यमों से भी हम लोगों ने सभी तक बात पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु हर बार जो है हमारी मांग को टाल दिया जाता है। थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मणिपुर के खुमान लंपक इंडोर स्टेडियम में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित 28वें जूनियर राष्ट्रीय थांगटा प्रतियोगिता में कहलगांव एनटीपीसी सेंट जोसेफ स्कूल की छात्रा संजोली कुजूर ने रजत पदक हासिल किया, जबकि आकांक्षा सिंह और आकाश कुमार ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मोकामा नाश्रित अकादमी स्कूल की कुमारी सनाया ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता के अंडर 9 रैंक में भी बिहार थांगटा टीम के कई खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि बिहार टीम के कोच विकास कुमार झा और सुबोध यादव ने भी लगातार खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। वहीं इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि सफलता पर इन सभी खिलाड़ियों को बिहार स्पोर्ट्स डायरेक्टर डीजी रविंद्र शंकरन ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़ पार्क में बधाई देकर सम्मानित किया। इधर खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित बिहार थांगटा संघ के अधिकारी और स्कूल प्रबंधन की ओर से भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैं विकास कुमार झा, बिहार थांगटा एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जो हमारी जो टीम 28 जूनियर नेशनल थांगटा चैंपियनशिप खेलने के लिए मणिपुर के इम्फाल जो गई थी, जिसमें पूरे बिहार से 19 खिलाड़ी भाग लिए थे, उसमें 4 पदक हमारी टीम ने जीती है। 4 पदक में जिसमें एनटीपीसी सेंट जोसेफ स्कूल के संजली कजूर ने सिल्वर मेडल, आकांक्षा सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल, आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल और मोकामा के नेशनल एकेडमी स्कूल की कुमारी सनाया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और हमारे जो बाकी खिलाड़ी हैं वो 4th प्लेस से 9th प्लेस के अंदर आए हैं, तो ये हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। उसके साथ ही जो हमारी टीम जीत के आ रही थी, तो बिहार के जो डीजी हैं रविंद्र शंकरन सर, उन्होंने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो राजेंद्र नगर में स्थित है पटना, वहां पर बुलाकर सारे खिलाड़ियों को बधाई दी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। भागलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर साधा जमकर निशाना, कहा सांसद करवाते हैं ट्रकों से अवैध वसूली। सुल्तानगंज में आपसी विवाद को लेकर महिला की हुई मौत, जांच में जुटे पुलिस। जिले भर में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को कुचला। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए भागलपुर के सत्यम मिश्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।